हेलो दोस्तों, इजी टू डिज़ाइन में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि डिस्प्ले स्टाइल क्या होता है और इसे पार्ट में कैसे अप्लाई करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछली लेक्चर में हमने ये मॉडल बनाया था बाउंड्री बॉस बेस कमांड की मदद से। आज हम इसमें डिस्प्ले स्टाइल अप्लाई करेंगे। मेनी टाइप्स का डिस्प्ले स्टाइल दिया गया है, उसे जानने के लिए डिस्प्ले स्टाइल के बगल में एक छोटा सा एरो है, इस पर क्लिक करें, जिसमें कि पहला है शेडेड विथ एजेस, दूसरा है शेडेड, तीसरा है हिडन लाइंस रिमूव्ड और चौथा है हिडन लाइंस विजेबल और पांचवा है वायर फ्रेम। हम एक एक करके देखेंगे। पहले हम शेडेड विथ एजेस देखेंगे, तो इस पर क्लिक करें। तो देखिए, ये शेडेड दिखेगा एज के साथ में, ये जो एज है ये एज, दूसरा शेडेड, ये सिर्फ शेडेड है, इसमें एज नहीं दिखाई देगा। तीसरा है हिडन लाइंस रिमूव्ड, इसमें देखिए जो ये हिडन लाइन है वो रिमूव हो गया, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। उसके बाद चौथा है हिडन लाइन विजेबल, देखिए ये हिडन लाइन दिखाई दे रहा है, ये हिडन लाइन, ये हिडन लाइन, ये हिडन लाइन, और पांचवा है वायर फ्रेम। इसमें सारी हिडन लाइंस आपको वायर और एक लाइन की तरह दिखाई देगी। तो हम शेडेड विथ एजेस रखेंगे। यहाँ पे शो और हाइड करने के लिए एक आई का आइकन दिया गया है, इसके बगल में एक छोटा सा आइकन है, इस पे क्लिक करें तो आप प्लेन को शो या हाइड कर सकते हो। उसके बाद एक्सिस को शो या हाइड कर सकते हो, कोऑर्डिनेट सिस्टम को शो या हाइड कर सकते हो, ओरिजिन पॉइंट्स को शो या हाइड कर सकते हैं, फिर स्केच को शो या हाइड कर सकते हैं, और फिर डायमेंशन को भी शो या हाइड कर सकते हैं, और रिलेशन को भी शो या हाइड कर सकते हैं। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से शो और हाइड कर सकते हैं। बहुत आसान है, आप प्रैक्टिस करते रहें। दोस्तों, हमें बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।